आज नमस्कार जी सारे भाइयों ने, आज हमारे पास में काफ़ी सारी आइडिया रखी हुई हैं और जितने भी दर्शक हैं तमाम सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज मौजूद हम तोसाम बस स्टैंड के पास में एक पहले लेके चलेंगे हम एक गुंडा बोला जाए पूरे हरियाणा का जो है राष्ट्रीय संगठन जो है एक हम पहले चैप्टर रखे हैं जी गुंडागर्दी भाई। एक पूरे हरियाणा में भाई साहब को गुंडे के नाम से जाने जाए हैं और उस गुंडेगर्दी का आज खुलासा करेंगे कि गुंडा क्यों बोला जा है और गुंडा बोला जा किस बात को लेकर बोला जा है। पहले तो भाई जी सभी मीडिया कर्मियों की तरफ से राम राम आपको। राम राम भाई, राम राम सारे भैया ने, सारे साथियों ने। जी जी, अच्छा ये कई जगह गुंडा कह पुकारे हैं आपने और आपका वेशभूषा भी मुंडा से मार के भी गुंडे लागू हो। हमने इस हाथ नहीं अकेले रह गए नाड़े पीट खूट दो और क्यों इस हाथ सर जो मर गए भाई गुंडा क्यों कहे आपने भाई एक बार बताओ आप। आपने कोई भी गुंडागर्दी की मरम कोई चीज देखी तो बताओ मुंडा शायद लागो गुंडे। एक बार बताओ अपना भगमा परना है अपना सनातन धर्म की पहचान है, अगर हम सनातन धर्म का मुंडा समारा तो हम गुंडे हो गए या किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है और उड़ा भी जाए कि उसने बचावा हाँ तो हम गुंडे हो गए या किसी गरीब का परिवार खत्म होने लग रहा है उसकी हम मदद करने पहुंच गए तो हम गुंडे हो गए। अगर इसमें भी पब्लिक जब हमने गुंडे कहा है तो भाई कहीं जाओ हम गुंडे नहीं जाओगे। अच्छा फिर एक चर्चा और काफ़ी सुर्खियाँ मारा था मामला गुड़गांव जो है अफताब के बारे में तलवार तलवार काट ली थी जब भी कहने लगे भाई जितने पंगाल थे गुंडा हो गया वहाँ के मामला हो गया था ईसा खुल के बताओ थोड़ा और। भाई ईसा है कि एक श्रेया नाम की लड़की थी हमारी हिंदू बहन थी हाँ वो थोड़ा नाम लेना भी देखो तो उसके टुकड़े बना के 35 और बैग में डाल दिए गए थे फ्रीज में रख दिए गए थे तो एक अपनी बहन बेटी खातर हम आवाज उठाना अगर गुंडागर्दी मानो हो तो भाई कोई बात को नहीं हम तो गुंडे रह जावांगे लेकिन हम तो समाज की सेवा करांगे और करते रहवांगे भाई। जी जी, अच्छा एक चीज़ और भी आवा है जैसे एक ये मुद्दा वायरल हो रहा था नीलम का ये पीछे काफ़ी सुर्खियों में रहा है और आज फिर ताज़ा मुद्दा ये वायरल हो रहा है कि इसके जो एक बच्चे को ले गए ये पेश हो रही है प्रशासन के पास जा रही है और आपकी शरण में आ रही है और आपसे वो खुश भी है भाई मैंने काफ़ी मदद मिल रहा है जितने पंगाल भाई से और पुलिस सुन भी रही है मीडिया चिल्ला रही है पूरा गांव राम भी वो लड़की भी चिल्ला रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप लोग। देखो भाई पहली बात तो यह है कि लीलम अकेली नहीं मारा दौरा कोई भी बहन बेटी आओ है या कोई भी हमारी मदद मांगना आओ है तो हम उसकी मदद खातर खड़े हुआ जी होना भी सही है। हाँ रही लीलम की बात है देखो भाई जो औरंगजेब के टाइम में कुछ अपने हिंदू भाइयों ने धर्म बदले गए थे मुसलमान बन गए थे जी जी और आज वो हिंदू में कन्वर्ट होने लग रहे हैं तो उसी दाल के आज लीलम ने जो गलती कर दी थी मुसलमान के साथ जाएगी और जब वो अपने हिंदू धर्म में दोबारा आना चाहो और आवे है तो भाई हम तो उसका सहयोग करांगे कि भाई देखो ठोकर खाए वो कहा करें श्याम का सवेरे का बोला श्याम ने करना आ जाने तो उसने बोला नहीं कहा करें अगर वो फिर भी अपना धर्म और अपना धर्म ना अपनाओ है तो हिंदू टाइगर फोर्स उसकी मदद के लिए खड़ी मिलेगी। अच्छा जो इसके साथ में षड्यंत्र होया है एक मुस्लिम लड़के ने देखो दोनों बीच में अफेयर था बोलचाल थी प्यार था शादी होगी दोनों के तालमेल मैच हो रही थी लेकिन ये धर्म छुपा के ने एक लड़की की जिंदगी से खेलना ये सही लग गया आपको गलत लग गया। देखो गलती इसमें अकबर की भी है कि उसने अपना धर्म छुपा के शादी करी और गलती लीलम की भी है कि उसने पूरा उसकी इंक्वायरी नहीं करी और वो एक प्यार का चक्कर में पड़ के उससे शादी कर बैठी तो मैं उस गलती तो लीलम की भी मानूं और ऐसी जो अपनी बहन बेटी और भी संदेश पूछा है इस चीज का कि भाई देखो ये लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ो और बिना तसली करे किसी का प्यार के चक्कर में ना पड़ो जड़े माँ बाप के उड़ो शादी करो क्योंकि इसमें धर्म और जात पात की लड़ाई नहीं है बात छुपाना किसी की जिंदगी से खेलना वो एक स्वाभाविक रूप से जनता सही नहीं मानती वो ये नहीं कि बच्चा पैदा होता है उस पर कहाँ लिखा होता है ये मुस्लिम और हिंदू है ये तो एक आपस में सियासी लोगों ने राजनेताओं ने लड़वाने भिड़वाने का षड्यंत्र बना दिया। एक चीज देखी गई भाई एक कहावत है कि अल्लाह अकबर भगवान जी अलग अलग नाम है लेकिन चीज तो भगवान एक है मालिक तो वही है। हाँ लेकिन क्या करे पब्लिक ने बांट दिए राजनेतों को बांट दिए कि भाई ये चीज है और आप सिर्फ फूट डालनी शुरू कर दी। आज के है कि लीलम तो अपने देवी देवता ने पूजन लग रही है और अकबर अपने उसने मस्जिद में बांटना चाहो है तो ये तो आदमी का खुद पे डिपेंड होता है कि वो किस चीज को मानेगा।
रही बात एक सुंदर स्टार न्यूज वाला अपना भाई जी, उसकी वीडियो भी देखी होगी आपने, कि अपने देवी देवताओं का अपन तो एक मीडिया वाले ने कर दिया, वो बीत का सारा फोटो दरबारा की देखी होगी, तो हिंदू धर्म में यह चीज को नहीं की देवी, लेकिन सुंदर ने ये करवा दिया। अपमान तो आप ही करने लग रहे हैं, दूसरा थोड़ी कर रहा कोई, कि आप ही अपनी बहन बेटी कितनी बाणियां गेली अपनी गेली मुसलमानों ने ईशा कराया है, किसी को शरेआम काट के गिर दिया, किसी को जला दिया, एक पीछे भाई चंदा मांग रहा था उसको मार दिया हिंदू को, एक भाई उदयपुर घटना देखी होगी, अरे उदयपुर घटना में मेरे दोस्त सऊदी अरब दुबई बिहार महाराष्ट्र राजस्थान इतनी धमकी आई है मैंने खुद न मारने की, कि भाई का पहला निशाना तू है तना मार देंगे, क्योंकि देखो आज डिफेंस में ना फौज में जो है बॉर्डर पे वहाँ लड़के मुस्लिम भी हैं सिख भी हैं ईसाई भी हैं सब हैं, लेकिन वो सब नारा एक लगाए हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, अकबर बुरा नहीं है, ना अकबर को दोषी मानते इसमें, ना जात पात को बीच में। एक चीज देखना आप सारे भाई जो मीडिया में भी वायरल हो रही है कई चीज देखोगे, ये मुसलमान है वंदे मातरम कदे भी नहीं बोलेंगे कि वंदे मातरम जिंदाबाद, कदे किसी भाई ने देखे तो बताओ, अगर हिंदुस्तान का रह खा रहे हैं हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो एक वंदे मातरम कहने में क्यों कौन सी छवि घटा है भाई जी जी। है? भाई देखो ये तो एक भारत माता, जिस टाइम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महारानी लक्ष्मी बाई थी, उसी टाइम से अपना नाम भारत माता का नाम पड़ गया, तो हम तो भारत माता ही कहवाएंगे। अच्छा एक और चीज भी है, जैसे एक बार असंध में बेटी दुखी थी, हाँ असंध में बेटी दुखी थी एक, हाँ और के नाम था 9 बजे बच्चे ले खड़ी थी और हम गए थे वहाँ, ये तो बहन गई थी, हाँ ये भेजी थी हमने, हाँ, हम भी गए थे वो, हाँ, रेल के नीचे जिस टाइम कटन लग रही थी उस टाइम, हाँ, तो हमने बचा दिया जाके, हाँ, फिर हमने एक माँ लेडीज की भावना लेडीज समझ सके है, तो हमने फिर ये लीलम भी भेजी थी। एक मुद्दा है फिर लास्ट में जाके न हिंदू टाइगर फोर्स का, हाँ ये के बोले ना एचडीएफ, हाँ एचडीएफ, हाँ एचडीएफ, इसकी मार्गदर्शिका ने फुल फॉर्म बताओ एक बार। एचडीएफ है हेल्पिंग पुअर गली, वो हमने ग्रुप बना रखा है जी, कि जिसमें कुछ भाई जो उसमें दान करे हैं और फिर वो जो दाना होने वो हम भाई को गरीब लड़की की शादी करने में ला दें, हाँ या कोई भूखा बाना है उसके भाई जो गरीब परिवार है उसके घर ना हमें राशन दे के राशन पूछा क्या वहाँ, हाँ तो यो एक ग्रुप चला रहा क्या हमने, और उस भाई में कोई जुड़ना चाहो तो उसमें जोड़ा भी हम। एक छाप लग रही है गुंडे की, कोई बिना भाइया की बहन हो, किसी पे अत्याचार हो रहा हो, उनके लिए ये भाई कहें या और गुंडा कहना चाहें ये उनके लिए खड़ा है, और ये है पूरे जो है प्रदेश के जो है हिंदू टाइगर फोर्स के अध्यक्ष है, ये संगठन के जो है आज तोसा में बैठते हैं और तोसा में मौजूद हैं। और दूसरी बात मैं एक और भी चीज़ कहना चाहूँगा, जो बिना भाइया की बहन हैं या पीड़ित हैं, ससुराल में ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, परिवार शादी लायक नहीं है, बेटी शादी लायक होगी है, उनके लिए ये भाइयों का होना बेहद ज़रूरी भी है, और लेकिन इस समाज को भी उन बहनों की भी इनको खास ज़रूरत है, लेकिन इसको भी आप जैसे पूरे समाज की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ ये नहीं कहते, वो बात को मैं दोहराऊंगा, क्योंकि एक बार आप लोग 1 रुपया डालें या 10 रुपये डालें वो आपके कई रूप लेगा, कहीं गायों को खाना खिलाने में जाएगा, कहीं पीड़ित बहनों का सारा मदद बन के जाएगा, कहीं शादी कराने में जाएगा। तो मेरा कहने का एक ही पर्पस है कि हिंदू टाइगर फोर्स का ये जो है इसमें एचटीएफ ये ग्रुप बनाया गया है, इसमें इनका फोन पे पेटीएम वगैरह इनका मोबाइल नंबर का मैं खुलासा सामने आपके पब्लिक के सामने कर दूंगा, ये कोई भी हमारा दर्शक जो है व्यूअर इनके प्रति जो है हिंदू टाइगर फोर्स से जितनी मोहब्बत करता है इन बेटियों से गाय से पीड़ित बहनों से माता बहनों से, तो इसमें आपका 1 रुपया भी कई रूप लेगा, तो एक बार दर्शकों को ना भाई साहब अपना फोन नंबर और बता दो। ये ग्रुप का फोन नंबर है 93 50 35 16 16, ये पीछे लिखा भी हुआ है, ये देखो भाई साहब, हाँ यू 93 50 35 16 16, इससे में तो ग्रुप चला है भाई हमारा जी जी, और इससे में पेटीएम में है हमारा, गूगल पे नंबर यही है। और रही बात ये देखो, एक आपने देखा बलियाली में एक गरीब परिवार की लड़की थी जी जी, उड़ा कुछ बदमाश उसकी शादी को नहीं होने देते, मीडिया में अच्छी वायरल हुई थी जी जी, उस उड़ा अपनी टीम पूछी
और उन्हें बेच के हम उसे बाढ़ने विदा करवा के आए और उसकी मदद भी करके आए। तो उसमें मैं उन बदमाश थे, गुंडे थे, उन जो रोक के हमने, तो इसमें जब हमने पब्लिक गुंडा कहे तो ठीक है गुंडे हम जी जी गुंडे कह लो ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर इस स्थिति में भी अगर आपने हम गुंडे दिखा तो ठीक है भाई हम गुंडे हैं। ये सच्चा खुलासा है जी हिंदू टाइगर फोर्स का। एक पीड़ित बहन इनको क्या बोलेंगी वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहना, और फोन नंबर मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, ये 9350 35 16 16 ये इनका गूगल पे फोन पे पेटीएम है। जो भी हमारा दर्शक प्रेमी जुड़ना चाहता है इस ग्रुप के अंदर और किसी को भी आधी रात मदद चाहिए होती, बहन बेटी पीड़ित हो, कोई दुखी हो, परेशान हो, ऐसी दुविधा में कहीं भी बैठी हो, तो फोन कर सकती है निसंदेह, यही ना जी? हाँ बिल्कुल जी। और फिलहाल हमारे पास में ज्यादा समय वीडियो में लंबी ना ले करते हुए सबसे अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद। राम राम जी।